तो ये चाट हमारा रेडी हो गया है। उगते हुए सूरज के दर्शन होते हैं, फटाफट से चाय बनाते हैं। ये ना वो शोर शराबा सब पसंद ही नहीं आता था करना, तो मैं ये क्या है इसमें खोल के देखेंगे इसको। जब से मैं ये चाट बनाने लगी हुई थी तब से हर्षिता को वेट नहीं हो रहा था, और अभी भी देखिए गरम बहुत ज़्यादा है और चम्मच मुंह के पास रखे बैठे कि जल्दी से वो ठंडा और मैं खाऊं। तो ये चाट हमारा रेडी हो गया है। हम रात में भी इसको खाए थे बना के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था हमें, ख़ासतौर से जब वो मैंने इमली की चटनी डाली है वो वाली, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था, टैंगी टैंगी सा। आप भी खा के देखिएगा। अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति। अभी हर्षिता मुझे कह रही है कि आप रोज भी छोले बना के रख दोगे ना इस तरह से मुझे चाट दे दोगे तो मैं तो रेगुलर खा लूंगी, है ना? खा लूंगी। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज है वेडनेसडे और टाइम हो गया है 9:45, 10 बजने वाले हैं और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैं अभी, मेरे को बाथरूम धोना था, वो वाला काम निपटा के भगवान जी की पूजा करके यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ। और देखिए धूप काफ़ी अच्छी आई हुई है, अब सीधे अंदर धूप आती है क्योंकि सूर्य सूर्य जो है बिल्कुल इधर सामने की तरफ होता है। बड़ा आजकल मुझे अच्छा लगने लगा है, फीलिंग्स अच्छी आने लगी है, क्योंकि सुबह सुबह उठो जब तो सबसे पहले उगते हुए सूरज के दर्शन होते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। और मेरे सारे काम हो गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, सारे इन द सेंस मोस्टली काम हो गए, सारे रेडी हैं और मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले कुछ मैं खा लूँ फिर उसके बाद काम स्टार्ट करूँ अपना आगे जो मुझे करना है। एडिटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बस अपलोड होने वाली है मेरी वीडियो जो आज आपके पास आएगी। भूख लग रही है, क्या करूं? एक्चुअली सुबह हर्षिता को टिफिन में मैंने पूरी सॉस लगा के दी थी, पूरी बनाई थी, तो एक पूरी रखी है अभी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं वही पूरी खा लूँ, बस साथ में चाय बना लेती हूँ, यही कर लेती हूँ, क्योंकि जब तेज़ भूख नहीं है फिर बना के करूँगी क्या, फिर वो रखा रह जाएगा। तो एक पूरी और चाय, फटाफट से चाय बनाते हैं। कि आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरे ऊपर वाली फ्लैट में भी चाय बन रही है। मैं अदरक को कूट कर नहीं डालती हूँ, ग्रेट करके डालती हूँ, और जिनके मतलब मैं जब चाय बनाती हूँ तो अड़ोस पड़ोस में किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन आसपास में कोई लोग चाय बनाते हैं तो मुझे ज़रूर पता चलता है, क्योंकि वो लोग अदरक को कूट कूट के बनाते हैं। मेरे पास पहले थी वो जिसमें अदरक को कूट के बनाया जाता था, पर मैंने आई थिंक मेट को दे दी थी शायद, क्योंकि मुझे ना वो शोर शराबा सब पसंद ही नहीं आता था करना, तो मैं ये ग्रेट करके डालने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक ले लूँ, देखती हूँ लूँगी या नहीं। और एक कुकर आया है अभी मेरे पास, क्या है इसमें खोल के देखेंगे इसको, याद ही नहीं आता है, कुछ इतने ज़्यादा कुरियर आते रहते हैं, मुझे आते टाइम तो यही नहीं याद होता है कि क्या चीज़ तो मैंने ऑर्डर करी है और क्या चीज़ मेरे पास भेजी गई है, मुझे नहीं याद होता। जब मैं खोलती हूँ चेक करती हूँ या ऐप को खोल के चेक करती हूँ तब याद आता है। और एक्चुअली होली आने वाली है,
तो मेड ने साड़ी की मुझे मुझसे डिमांड कर रखी है, उसे साड़ी लेनी है। आधे टाइम मैं अंधेरे में हो जा रही हूँ, तो उसको साड़ी चाहिए। मैंने एक साड़ी उसके लिए पर्सनली ऑर्डर कर रखी है, देखते हैं कब आती है। वैसे तो मुझे वो टाइम दिखा रही है साड़ी आने का होली के बाद का, बट आई होप सो पहले आ जाए ताकि त्यौहार पे मैं उसे दे सकूँ। मैं बार बार अंदर जाना आना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बार फ्रिज खोल रही हूँ, फ्रिज में से दूध निकाला, आउच शिट, एक हाथ में फ़ोन होता है ना तो इस तरह काम करने बड़ी कभी कभी डिस्टर्बेंस हो ही जाती है, डर लगता है या तो फ़ोन छूट जाएगा से या सामान छूट जाएगा जो ले रखा है। मौसम एकदम बदल गया है, अच्छी वाली धूप गर्मी फील होने लगी। एक बात पूछूं आप लोगों से, आई थिंक सब ही, मैं अपनी बात नहीं, हमारी जनरेशन के लोग सभी लोग चाय में रोटी पूरी ये सब फोल्ड करके उसमें डिप करके फिर खाते थे। मैं तो आज भी खाती हूँ, आप लोग खाते हैं क्या? ऐसे जैसे ये लिए, इसको हम ऐसे फोल्ड कर दिए क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नमक मसाले वगैरह होते ही हैं, जैसे कसूरी मेथी वगैरह ये सब। साथ में लिए चाय का कप, ऐसे डिप किए, आए ना बचपन की याद। बचपन में हम लोग तो सभी खाते थे, हमारे आस पड़ोस वाले बच्चे, क्लासमेट्स, इवन कभी कभी मस्ती में टीचर्स के साथ डिस्कस करते थे तो वो भी बताते थे। वो ज़माना थोड़ा सा अलग ही था, खैर इतना भी पुराना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है चीज़ें, तब थोड़ा सा लगता है कि जैसे वो ज़माना बहुत पीछे चला गया। सही कह रही हूँ ना? लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी यादों को ताज़ा ऐसे ही किया जाता है। खुद से कभी कभी ये सब कर लीजिए और देखिए फिर उन्हीं यादों में खो जाते हैं। हर्षिता का स्कूल से आ जाना मतलब हालत ख़राब हो जाना। हर्षिता, वैसे हर्षिता का घर का नाम गुड्डू है, गुड्डू ये आ गई है यहाँ पे। एक घंटा हो गया होगा ये ना? हाँ? नहीं, 35 मिनट हो गए हैं। अरे, और इस 35 मिनट में मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ इसके साथ, हंसते हंसते चीखते चिल्लाते थकते, इसकी सुनते अपनी सुनाते, अपनी नहीं इतनी सुना पाती हूँ जितनी मुझे सुननी पड़ती है। हे क्या होता है क्या? ये देखो, ये मैडम H4 हर्षिता, H की टी शर्ट ले रखी है। ये टिफिन गया था आज, इसमें दो पूरी थी जिसमें से एक खाई है एक वापस आई है, और यहाँ पर आलतू फालतू सामान आ गया है जिसमें ये कुरकुरे, देखो ये पेपर की ये इज्जत रहती है होने के बाद, और वो ब्रिटानिया की, और यहाँ हर्षिता का मुंह भी देख सकते हैं, दिखाओ अपना मुंह। ओहो टचअप चल रहा है। H4 हर्षिता दिखाओ, ये वाली टी शर्ट हर्षिता अपनी इसीलिए लेके आई थी क्योंकि एक तो इसे ये कलर बहुत पसंद है, कैमरे में थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, वो लाइट ग्रीन कलर है, और दूसरा उस पर अल्फ़ाबेट H लिखा है, और नीचे लिखा है उसमें ऑलवेज हैपनिंग। यस, नाइस टी शर्ट, थैंक यू, गुड चॉइस। आई नो, यू नो, आई नो। एक्चुअली अभी मैं हर्षिता के साथ क्या कर रही हूँ, मैं उसको पता ही नहीं है कि कैमरा किस साइड से ऑन है, उस साइड से दिख रहा है या इस साइड से,
पता ही नहीं। तो पता है पीछे से वो एक्टिंग करे जा रही है, उसको लग रहा था कि शायद मैंने उसको कैप्चर कर रखा है, उसी को मैं शो कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ एक्टिंग करे जा रही थी। तभी मैं थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गई थी, कीप क्वाइट, और हर्षिता की एक्टिंग पे फोकस कर रही थी।